fucked up. I'm black and blue. I'm ill for it. I'll be abused. अरे रस कटे रेडकर भाई क्यों हो रहा पढ़ रहा है अरे भाई हे हेलो व्हाट्स अप गाइस वेलकम टू इजर 99 एंड वेलकम टू अनदर वीडियो. एक और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आगे भी जो है बढ़िया रहना. सो भाई लोग आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को मिस्टर रैटलर जैसा यूनिक शॉर्ट वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ. जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी मिस्टर रैटलर जैसा शॉर्ट वीडियो बना सकते हो बहुत ही इजीली अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर एंड बहुत ही कम टाइम में आप लोग इस टाइप के शॉर्ट वीडियो को बना पाओगे. सो गाइस, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. तो वीडियो को एंड तक अच्छे से वॉच कर लेना एंड कोई चैनल पर न्यू आ रहे हो, पहली बार के लिए आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना. हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं आप सभी लोगों का हेल्प करने के लिए, तो सब्सक्राइब करके हमारा भी हेल्प कर देना. एंड गाइस, जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पर अभी भी फॉलो नहीं किया है जाकर इंस्टा पे फॉलो कर लेना एंड आज के वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना. कोई क्वारी है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो. तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, सबसे पहला आप लोगों को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है. एंड गाइस, सबसे पहला हम लोग मिस्टर रैटलर का जो टेक्स्ट है वो बनाने वाले हैं. तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों को पीएनजी वाला बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो यहाँ पर लिख सकते हो. तो मैंने यहाँ पर वाई लिखा है एंड अभी मैं फॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा. एंड अभी हम लोग जाएंगे कलर पे एंड कलर पे जाके आप लोगों को रेड वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है. आप लोग कोई और कलर सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर रेड वाला सिलेक्ट किया है. अभी शैडो पे जाना है एंड मैं जितना एडजस्टमेंट रख रहा हूँ मुझे फॉलो कर लेना है, उतना ही आप लोगों को एडजस्टमेंट रखना है, ठीक है. देख सकते हो शैडो थोड़ा नीचे दिख रहा है अच्छे से. एंड अभी गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है. एंड सेव करने के बाद हम लोग इसको फिर से एडिट करेंगे एंड मैं लिख लूँगा व्हाई आई एम बेस्ट. ओके, ये मैं लिखने वाला हूँ. तो इसको भी सिंपली हम लोग कोई और कलर दे के देखते हैं. नहीं गाइस, ये रेडी सही लग रहा है तो मैं इसको फिर से रेडी कर दूँगा, ठीक है. इससे पहले देख लेते येल्लो थोड़ा अप्लाई करके. नहीं गाइस, रेडी सही है, ठीक है. तो मैं रेड कलर को चूज़ कर लूँगा अगेन एंड मैं इसको सेव कर दूँगा. एंड अभी गाइस मैं इसको फिर से एडिट करूँगा एंड बेस्ट जो लिखना भूल गया था मैं वो लिखूँगा, ठीक है. व्हाई आई एम बेस्ट, ठीक है. तो ये मैंने लिख दिया है. एंड अभी गाइस इसका कलर मैं ग्रीन रखूँगा, ठीक है. लास्ट वाला कलर मैं ग्रीन रखूँगा. आप लोग चाहो तो पूरा रेड भी रख सकते हो, आप लोग की मर्ज़ी. आप लोग जो भी कलर रखना चाहते हो रख सकते हो. तो इसको हम फाइनली सेव कर लेंगे. एंड इतना काम करने के बाद हमें कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है. एंड गाइस, कैपकट एप्लीकेशन में आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को चूज़ कर लेना है, ठीक है. एंड यहाँ पर ये वाला ओवरले का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पैक के अंदर ये वाला ओवरले आपको मिल जाएगा. तो ये वाला ओवरले 1v4 का ओवरले है मिस्टर रैटलर का, ठीक है. तो ये वाला ओवरले आप लोगों को ऐड कर लेना है सबसे पहले एंड अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है. उसके बाद मेन क्लिप को हमें एडजस्टमेंट में जाना है एंड हमको थोड़ा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पेन एंड आप लोगों को टेम्परेचर एंड विगनेट को एडजस्ट कर लेना है. हाईलाइट शैडोज को भी. तो मैं जिसका जितना एडजस्टमेंट रखूँगा आप लोगों को भी सेम टू सेम मेरी तरह फॉलो कर लेना है, ठीक है. मैं जिसका जितना रख रहा हूँ आप लोगों को भी वैसे ही रखना है. अगर आप लोग चाहते हो खुद की तरह करना तो आप लोग आपके क्लिप के हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है गाइस. सो इतना काम करने के बाद आप लोगों को साउंड में चले जाना है एंड ये साउंड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, ठीक है. तो साउंड को आप लोग डाउनलोड करके ऐड कर लेना. तो मैंने यहाँ पर साउंड को ऐड कर लिया है एंड थोड़ा सा मैं ट्रिम कर लूँगा एंड इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे एंड एंड वाले पार्ट में आके स्प्लिट लगा के एक्स्ट्रा पार्ट को मैं डिलीट कर दूँगा. एंड अभी गाइस हमें क्या करना है, फेड में जाना है एंड इन एनिमेशन, और मतलब कि इन एनिमेशन में फेड लगाना है एंड आउट में भी फेड लगा देना है. मतलब कि जब ऑडियो शुरू होगा तब थोड़ा फेड होके स्टार्ट होगा. इसके बाद गाइस क्या करना है, आप लोगों को इफेक्ट्स में जाना है एंड हेलो ब्लर को अप्लाई कर देना है, ठीक है. तो कुछ ब्लर इफेक्ट से वीडियो स्टार्ट होगा एंड जहाँ जहाँ पे हेडशॉट हमने मारा है वहाँ वहाँ पर हम जाएंगे एंड वीडियो इफेक्ट में चले जाएंगे. एंड ये वाला वाइब्रेशन फ्लैश वाला जो इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट हमें अप्लाई कर देना है हेडशॉट के ऊपर, ओके. तो अभी मैं जो लास्ट हेडशॉट है इसको कॉपी करके वहाँ पर प्लेस करूँगा. तो गाइस मेरा लास्ट हेडशॉट यहाँ पर था, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले इफेक्ट को ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस कर दूँगा.
तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मेरा ये काम हो चुका है। अभी गाइस जो भी टेक्स्ट हमने पिक्सार्ट एप्लीकेशन पे बनाया था वो टेक्स्ट हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं ये वाई वाला टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड टेक्स्ट को ऐड करने के बाद आप लोगों को अच्छे से एडजस्ट करके आप लोगों को एनिमेशन के अंदर चले जाना है। एंड एनिमेशन के अंदर आप लोगों को इन एनिमेशन में मिल जाएगा फेड इन करके एक इफेक्ट, ठीक है। तो फेड इन इफेक्ट को आप लोगों को अप्लाई करके आप लोगों को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आई एम वाला टेक्स्ट को ऐड कर लूँगा, ठीक है। एंड टेक्स्ट को ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे एंड अभी हम लोगों को इन एनिमेशन में फेड इन फिर से अप्लाई कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वाई आई एम ये वाला टेक्स्ट हो चुका है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करके अभी इस वाले पार्ट में स्प्लिट करके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। एंड अभी हम लोग वो बेस्ट वाला जो हमने बनाया था टेक्स्ट, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। एंड इसको भी हम लोग सेम टू सेम इन एनिमेशन में जाके फेड इन वाला एनिमेशन देंगे, ठीक है। एंड फेड इन वाला एनिमेशन दे के अभी यहाँ पर आके आप लोगों को क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। एंड बाकी का पार्ट डिलीट कर देना है। तो इतना काम करने के बाद आप लोगों को एक्सपोर्ट कर लेना है, क्लिप रेडी है।